अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैद और आज है हमारे पास सैमसंग का लेटेस्ट एम सीरीज का फोन जो कि है M31S। एम सीरीज सैमसंग की ऑनलाइन सीरीज है जो कि एक्सक्लूसिवली दराज पे अवेलेबल है और काफी पॉपुलर सीरीज है सैमसंग की तरफ से, जिसमें आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो चले M31S की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या कॉन्टेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है हमारे पास M31S का बॉक्स। सामने स्क्रीन की तरफ हमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। सैमसंग ने इस स्क्रीन को इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहा है। बॉक्स के नीचे की तरफ हमें रैम एंड रोम वेरिएंट मेंशन किया गया है। ऊपर की तरफ है पीटीए स्टिकर। तो चले आप फोन का अनरैप करते हैं और सबसे ऊपर हमें मिलता है हमारा वारंटी कार्ड। जबकि बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें एक पैम्फलेट देखने को मिलता है जिसमें क्विक गाइड और यूजर मैनुअल मिलता है। तो चले अभी हम फोन को साइड पर रखते हैं तो हमारे पास है नीचे 15 वाट की चार्जिंग ब्रेक, सिम इजेक्टर टू और एक यूएसबी टाइप सी केबल। तो चले फोन की तरफ वापस आते हैं और फर्स्ट लुक लेते हैं। फोन के सामने की तरफ हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है जिसमें है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, क्वाड कैमरास और 6000 mAh की बड़ी बैटरी। तो चले अब मैं फोन से रैपर को हटाता हूँ तो यहाँ पे हमें बैक पे डुअल शेड कलर देखने को मिलता है जिसे सैमसंग ने माइरेज ब्लू का नाम दिया है और जिसमें हमें सिल्वर और ब्लू का काफी यूनिक पैटर्न देखने को मिलता है। फर्स्ट लुक में फोन काफी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है लेकिन साथ ही काफी इजीली फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से फोन को ऑन कर लेता हूं और इसके सारे फीचर्स का ओवरव्यू लेते हैं। फोन अब ऑन हो चुका है तो फोन के ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोर्ट से स्टार्ट करें तो नीचे की तरफ हमें हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, माइक और स्पीकर मिल जाते हैं। फोन के राइट साइड पे है पावर बटन जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें मिल जाता है और साथ है वॉल्यूम रॉकर्स, जबकि लेफ्ट साइड पे है सिम ट्रे जिसमें डुअल सिम स्लॉट की ऑप्शन मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ आपको माइक्रो एसडी कार्ड की सहूलत भी मिल जाती है। अब फोन के डिस्प्ले की तरफ आए तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे कलर्स और कंट्रास्ट रेशियो प्रोवाइड करता है और सनलाइट में भी काफी ज्यादा ब्राइट है और मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ फोन को डेलाइट यूज करने में। मीडिया कंज्यूमिंग के लिए भी फोन काफी बढ़िया है और इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ मीडिया स्ट्रीमिंग को आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फोन के साइड बेजल्स भी काफी मिनिमल है और नीचे की तरफ आपको छोटी सी चिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको स्क्रीन में पंच होल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जबकि बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी को हम डिटेल रिव्यू में डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो को मिस मत करना। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सिनोस 9611 का चिपसेट मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है और इस चिपसेट से आप काफी डिसेंट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चिपसेट को अगर मैं क्वालकॉम की चिपसेट से कंपेयर करूं तो यहां पे आपको लगभग स्नैपड्रैगन 720G जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन से। डेली डे टू डे यूजर्स में तो फोन काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव रहा है और मुझे यहां पे भी कोई लैग फील नहीं हुआ। इसके अलावा गेमिंग को हम अपने अलग वीडियो में टेस्ट करेंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें सैमसंग का One UI 2.5 मिलता है ऑन टॉप ऑफ Android 10 और One UI सैमसंग की तरफ से काफी ऑप्टिमाइज्ड है और आप इससे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है और इंस्टेंट अनलॉक कर देता है फोन को। जबकि बैटरी जो कि इस फोन का एक मेन फीचर है, यहाँ पे आपको 6000 mAh बैटरी दी गई है। इसके अलावा फोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है और इतनी बड़ी बैटरी के साथ आपको ये फोन इजीली 2 डे लास्ट कर जाएगा अगर आप हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा M31S का अनबॉक्सिंग, हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में फोन मुझे काफी अच्छा लगा है, मुझे यहाँ पे कोई भी लैग और परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं हुए और इतनी बड़ी बैटरी के साथ ये फोन हैवी यूजर्स को पसंद आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फोन का लिंक दिया होगा, वहां से जाके आप इसको लाजमी चेक करना। तो दोस्तों ये थी हमारी M31S की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।